हेलो फ्रेंड्स, आपण मानको आजर ओडिया क्लास रे स्वागत करुछि। आजर विषय वस्तु रहिछि पश्चिम आफ्रिका रे ओडिया ढेंकी। लेखक हेउछन्ति भुवनेश्वर बेहरा। पश्चिम आफ्रिका रे ओडिया ढेंकी एहा एक भ्रमण कहानी। एहार लेखक हेउछन्ति भुवनेश्वर बेहरा। लेखक भुवनेश्वर बेहरा 1877 मसीहा रे भारत सरकार को अनुरोध क्रमे लाइबेरिया गणराज्य को जाइथिले। से लाइबेरिया गणराज्य रु फेरिबा परे ए पुस्तकटी को लेखिछंती, जहार नाम होची पश्चिम आफ्रिका रे ओडिया ढेंकी। एहा होची तांकर भ्रमण कहानी पुस्तक। तो चलंतु आजर विषय रे हम आरंभ करबा पश्चिम आफ्रिका रे ओडिया ढेंकी पुस्तक रे कोन कोन रहिछि। प्रथमे रहिछि विषय परिचय। प्रथमे रहिछि पश्चिम आफ्रिका रे ओडिया ढेंकी भ्रमण कहानी ती पढिबार उद्देश्य कोन, पठनर उद्देश्य प्रथमे हम देखिबा। एठारे पठनर उद्देश्य होची पश्चिम आफ्रिका रे ओडिया ढेंकी गोटिए भ्रमण कहानी। साहित्यर अन्यान्य विभाग अपेक्षा भ्रमण कहानी गोटे स्वतंत्र श्रृंखला। लेखक भुवनेश्वर बेहरा उक्त ग्रंथरे भ्रमण अनुभूति जो सब वर्णना करिसंती, तार ग्रंथ प्रबंध पाठ करिबा अपेक्षा मूल ग्रंथ को पाठ कले पाठकटी ग्रंथर उपादेय संपर्क जानिपार। से निमंत एही एकक मूल ग्रंथ किसी निर्वाचित अंश दि जाइए, अर्थात एठारे पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढेंकी पुस्तकटर किसी अंश मात्र दि जाइए। यार मुख्य उद्देश्य होची विद्यार्थी माने उक्त ग्रंथटी पाठ करी सेथिरे थिबा लेखकीय विविध दृष्टिकोण सहित परिचित हेबे, एवं गोटिए भ्रमण कहानी संरचनार पद्धति किपरि भ्रमण कहानी लेखा जाए से संपर्क अवगत हो पारिबे एवं ज्ञान आहरण करि पारिबे। तो वर्तमान आमे पश्चिम आफ्रिका रे ओडिया ढेंकी भ्रमण कहानी विषय वस्तु उपर आलोचना करिबा। तो पश्चिम आफ्रिका रे ओडिया ढेंकी भ्रमण कहानीटी सातटी अध्याय रे विभक्त होईछि। प्रथमे अछि कायरो, द्वितीय अध्याय अच्छी कायरो रु आक्रा, एवं तीन नंबर अध्याय अच्छी लाइबेरिया रे मोर प्रथम संध्या, चार नंबर अध्याय अच्छी मनरोभिया रे एक विचित्र कार्यक्रम, पांच नंबर अच्छी मनरोभिया रे मोर एक पदयात्रा, छ नंबर अच्छी लाइबेरिया गणराज्य भितर, एवं सात नंबर रे अच्छी अंतिम रही यात्रार शेष पर्याय। तो एथिमध्ये आमे आज प्रथम आलोचना करिबा कायरो। सांग माने आजर भिडियो आम पढ़ा पश्चिम आफ्रिका रे ओडिया ढेंकी भ्रमण कहानीटर प्रथम पाद। प्रथम पादर नाम होची कायरो। तो आज भिडियो आम कायरो विषय आलोचना करिबा। तो एठारे लेखक भुवनेश्वर बेहरा लिखिछंती, ढेंकी कुआडे स्वर्ग को गले भी धान कुटे, जे भद्र लोक माने स्वर्ग को जाई ढेंकी रो क्रियाकलाप सबू स्वचक्षुरे देखि आसिछंती से माने अवश्य कथार सत्यासत्य जानिथिबे। मुँ जेहेतु ए जावत स्वर्ग को जाई नहीं से संबंध में एवं किसी व्यक्तिगत मतामत देवा मो पक्ष संभव नुहे, मु कौन मतामत दे पारे। तो लेखक भुवनेश्वर बेहरा ठारे आलोचना कले ढेंकी स्वर्ग को गले धान कुटी थाए, अर्थात जो लोक जार स्वभाव जो भाया से जो स्थान को गले तार स्वभाव को चेंज कर पारे ना। तापर लिखा जाइए शिक्षक मान संबंध में कटुक्ति शुणाइवा को सदा आग्रही केते निंदुक कहती जे शिक्षक माने जेउठी की जानती बेल हेउ अबेल हो श्रोतांक आग्रह थाउ बा न थाउ शिक्षादान आरंभ कर दियंती। तो एठारे शिक्षक मानको ढेंकी सहित तुलना करा जाइछि, आ क्रमागत बकर बकर मध्य शिक्षक माने होंती बोली एठारे लेखा जाइछि। एही निंदुक मानको आखिरे तेनु प्रत्येक शिक्षक गोटिए गोटिए ढेंकी, अर्थात एठारे शिक्षक मानको ढेंकी सहित तुलना करा जाइछि। एपरे ढेंकी स्वर्ग को गले कौन करिवे से कथा निश्चित भाव में कही पारे मु बिना द्विधारे कहबी जे ढेंकी आफ्रिका को गले भी धान कुटे। तापर लिखा जाइए किंतु गोटे कथा धान थिले सिना ढेंकी ताको कुटिब न कुटिब से कथा विचार करिवो, धान नथिले लेखक कहते धान थिले सिना ढेंकी कुटिब बा न कुटिब से कथा विचार हबो, जदि धान नाही तो से कथा। तापर आम ओडिया ढेंकी अवस्था बेले बेले सेया ही हुए, बन्या और मरुड़ीर क्रीड़ास्थल उत्कल तो अनाटन सब बेले लगि रही थे। ओडिशार बन्या बात्या सब बेले अभाव अनाटन लगि रही थे। ओडिया ढेंकी माने सस्ता सुंदर और मजबूत हेले मध्यो एही ढेंकी माननकु अनेक समय धान कुटिबार सुजोग ही मिले ना, तेणु से माने खाली चक्षु कुटी कुटी कान फटा वृथा ढकर ढकर कचर कचर शब्द कर निज भितर कोलाहल सृष्टि करथिन्थि। आम विश्वविद्यालय सबू तहीं गोटे गोटे नमूना, फलरे ओडिया ढेंकी हुए कटकी ढेंकी, संबलपुरी ढेंकी, ब्राह्मणी ढेंकी, किंबा करण ढेंकी, हरिजन ढेंकी अथवा गिरिजन ढेंकी। अर्थात एठारे लेखक भुवनेश्वर बेहरा शिक्षक मानंकु ढेंकी सहित तुलना करिसथि। तापर लिखिछथि संबलपुर विश्वविद्यालय अव्याहत नहीं मुँ धीरे धीरे मोर ढेंकीत्व हरैबाकु जाउछि, हठात दिल्ली रु डाकरा आसिला इस्पात खणि मंत्री इच्छा मुँ अति शीघ्र देखा करे, अर्थात
लेखक भुवनेश्वर बेहरा संबलपुर यूनिवर्सिटी थिला बेले तांकु इस्पात और खणी मंत्री तरफर डाकरा आसी बुकुचा पुटुली धरी केसींगारु माड्रास टाटा एक्सप्रेस झारसुगुड़ार सेठारे उत्कल एक्सप्रेस चलिली पुष्पेशु मल्लिक और नगरेशु दिल्ली अर्थात एठारे लेखक भुवनेश्वर बेहरा माड्रास टाटा एक्सप्रेस झारसुगुड़ा बाट दे दिल्ली अभिमुखे यात्रा आरंभ करिसंती। जे दिल्ली का लड्डू कथा कही सतरे ठीक कही मन हुए दिल्लीर सबुजाक लड्डू जी खाइब से पछताइब जी न खाइब सी भी पछताइब मझे मझे दिल्ली थे अध बुले न आसिले कि गोटे कौन अभाव पूरण रहीगला पर लगे सूर्य घरइले पछताइवाक हुए तो लेखक दिल्ली जावाई इच्छुक अच्छा दिल्ली में कहीं जाने मत अणनिश्वास लगे कहीं मोहम्मद घोरी मोहम्मद गजनी कि मोहम्मद तोगलक गोटाए हाथ लंबर दाढ़ी आउ हाते लंबर छुरी धरी पछरे छपि छपि चली लेखक कहते आउ कही जड़े कान पाखर फुसफुस कर होशियार होशियार। तो एठारे दिल्ली हूँ पुरातन मोगल मुसलिम मानकर राज्य तो दिल्ली में बहुत गुड़े मोहम्मद तोगलक ये मुसलमान शासक मानकर कीर्ति गुड़िक रही तो लेखक दिल्ली पहुँचला मात्र के तांकु सही श्रुति गुड़िक मन पड़े तापर एठारे लेखा जाइछि भल हो मंद हो कलिकता को बुझी हुए लेखक कहते दिल्ली अपेक्षा भल हो मंद हो कलिकता को बुझी हुए दिल्ली में किंतु मन हुए सते जमी सहर समस्ते गोटे गोटे मुखा पिंधती गोटे आड़ की दिल्लीर उद्यान फरुआ और आलोकमाला राष्ट्रपति भवन अशोका होटेल चाणक्यपुरी अन्य दिगरे पुराणा किला भंगारुजा कबर आ निजामुद्दीन स्टेशन पाखे आसला बेले रेल लाइन कड़र झुपुड़ी सब एठारे निजामुद्दीन स्टेशन पाखे माटिकुड़िया झुपुड़ी घर गुड़िक अच्छी गोटे दिगरे राजपथ जनपथ आउ धाड़ी धाड़ी किसमर फूल भरा गच्छ रही अन्य आड़ की दिल्ली अंचल टांगरा भूमि एक पाखरे बोइंग जुम्बो कारावेल जेट आउ एयर बस अन्य पाखरे गध आउ ऑटो कोपिनी थारे बापूजी आउ तांको उपरे कोटिए टंकार समाधि केउटा सत केउटा मिछ किए जल आउ किए मरीचिका बुझी हुए ना दिल्ली रे लेखक बुझी हुए ना बोले कहते आउ दिल्लीर यही धरती टैक्सी और ऑटो रिक्शा वाला सतरे तो जुहार एठार लेखक दिल्लीर ऑटोवाला जुहार बोली कहते हैं होती सीधा न नहीं कुआडे से घूर बुले अर्थात आपण गंतव्य स्थल को सीधा न नहीं से बुले बंके आपण को सही जगह पहुँचे और आपण अधिक टाँव नहींजे दुई माइल बाट को छः माइल बाट कर भड़ा को तीन गुण कर सारी तुम्हें मटर को अनाई थाओ थरकर घटना मुड़िया भवन में पहुँचला जानी प्राय तिलधारण स्थान ना एका सांगे गवर्नर मुख्यमंत्री अन्य केते मंत्री चीफ सेक्रेटरी आउ अन्य माने पहुंची जाइछन्ति मैनेजर दुख करी अवस्था बुझे देले राति प्राय दसटा हो आसल होटेल सब कहीं केते दूर रे मैनेजर कहले से जानती विश्व युव केन्द्र रे कोठरी खाली अच्छी रेट अवश्य टिके बेसी किंतु पाखरे काले पुणी दरकार हेले अन्य कोठी देखिबा टैक्सी वाला को मु भड़ा दे सारिथिली बक्सिस मध्य दे सारिथिली से किंतु जाई नथिला से मत विश्व युव केन्द्र को नहीं जापर कि पचारा आ जवाब देला क्यों नहीं जी आपकी गाड़ी कहले टी शीघ्र चल अर्थात एठार लेखक भुवनेश्वर बेहरा विश्व युव केन्द्र को जाइंट कहले टी शीघ्र शीघ्र से कहला तुरंत फटाफट ओडिशा भवन रु गाड़ी छुटाई नेला तमिलनाडु भवन आड़ को कमाल आर्किटेक्ट रोड रेस कोर्ट किंग जॉर्ज एवेन्यू कृष्णा मेनन मार्क डेलहाउसी साउथ एवेन्यू तीन मर्थ आउ गाड़ी पहुँचीगला गोटे सुंदर कोठा सामने टैक्सी वाला कहला आग आया साहब आपकी विश्व युव केन्द्र राति दसटा बाजी जाए सारी टैक्सी वाला को टी अपेक्षा करने को कहे कोठरी खाली अच्छी ना नहीं जा बुझी आसली सिंगल बेड रोठरी टे मिलगला टाँह देला बेल टैक्सी वाला को कहली बड़ी मेहरबानी है आपकी मीटर देखा टाँप सुटकेस आउ टा टे बेसी मागे से उत्तर देला कोई बात नहीं जी तो ठीक अच्छे लेखक एठार टैक्सी वाला तर टैक्सी बस विश्व युव केन्द्र को आसी जाइंट सका कोठारू बाहर को जो आसली रोड रखने सामान्य कि दूर गोटे परिचित कोठा देखाला पचारि जानी से कोठाटी उत्तर प्रदेश भवन ठीक ताकु लागिकर ही आम ओडिशा भवन हे भगवान ओडिशा भवन रु विश्व युव केन्द्र अध फरलंग भी हेब ना मुर छोट सुटकेस टी धरी सुंदर चली आसपारी था अति सहजे चली आसपारी था आउ टैक्सी वाला कहीं कड़े घूर आणला मत पुणी सुटकेस बड़का टाटे भी नहीं कहला कोई बात नहीं
दिल्ली आईटीआई रे राउरकेला इंजीनियरिंग कॉलेज रे मोर केते जन पुरुना छात्र स्नातकोत्तर शिक्षा नेउथिले। आमे समस्ते मिसी दिने राती रे एकाठी खाउथिलु। कथा छळरे सेमानको मोर ए अनुभूति कथा कहिले। टैक्सी वाला मते किभली भाबरे दिल्ली रे ठकीथिला मो सेई कथाटी को मोर पुरातन छात्र मानको कहिथिलि। से भितरु जणे कहिला, सर एमाने नुआ लोक बोली जानिले एमिति ठकंती। आमे एठाकर सब जानी गलुनी, आमको एमाने केबे ठकी पारिबेनी। केतमास गला पर मु आउ थरे दिल्ली आसिली। दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज रो गोटे निमंत्रण रक्षा करी से माने तांको अतिथि भवन रे मो पई रहिबा खाइबा व्यवस्था सब कर दे थांती। मु एथरो जते बेले दिल्ली रेल स्टेशन रे ओल्हाई मोर सेई पुरुणा छात्र मानको स्टेशन रे देखिली बहुत खुशी हेली। मु दिल्ली आसार खबर पाई से माने मते देखा करबा को स्टेशन आसथिले। से माने ठीक करले जे समस्त मो सांगरे दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज को जिबे ओ मते सेठारे अतिथि भवन रे छाड़ देला परे बस रे पुने आईटीआई कॉलेज फेरिबे। टैक्सी रे चढ़ला बेले जणे छात्र टैक्सी ड्राइवर को कहला, दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज काश्मीर गेट। तापर से टैक्सी ड्राइवर टी एमानन को नुआ भाबी दिल्ली रा विभिन्न गली कंदे बुलेया को लागिला। सेथि मधेरु जणे परिचित छात्र कहला, आमे तो दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज जीव, आपण एपटे काहे आणुछंती। परिशेष रे ऑटोवाला टी धरा पड़ी गला एवं ताकुर छात्र माने अनेक गाली गलज कले। तो प्रथम अध्याय आम देखिले जे लेखक भुवनेश्वर बेहरा को किभली भाव दिल्ली रो ऑटोवाला माने ठकी। तो आम नेक्स्ट विषय पुणी आलोचना करवा कायरो आक्रा। भुवनेश्वर बेहरा पश्चिम आफ्रिका ओडिया ढेकी भ्रमण कहानी द्वितीय पर्याय रही कायरो आक्रा। तो से विषय आम नेक्स्ट भिडियो आलोचना करवा। आज भिडियो आपण मूँ बहुत बहुत धन्यवाद।